नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का संस्कृत अध्याय 7 करोति। करोति का मतलब होता है करना। देखो यहाँ पर आपको अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं, लड़का लड़की सबके ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो करोति का मतलब क्या होता है, करना, कोई भी काम करना, करोति का मतलब करना। अब हम पढ़ते हैं सचिन, इस लड़के का नाम क्या है, सचिन। एषः सचिन, यह सचिन है। सचिन खेलती, सचिन क्या कर रहा है, खेल रहा है। देखो इसके हाथ में क्या है, बैट है, ये क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो एष का मतलब होता है यह सचिन है। सचिन खेलती, खेलती का मतलब क्या होता है, खेलना, खेल, इसका क्या मतलब होता है, खेलती का मतलब खेलना, ये लट लकार का रूप है, ठीक है। तो क्या है ये, खेलना। वेदांत, ये कौन है, वेदांत। एष वेदांत, यह वेदांत है। वेदांत पठती, अब ये वेदांत क्या कर रहा है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसके पास किताब है, इस किताब में से वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पठती का मतलब क्या होता है, पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। तो वेदांत क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। दिव्या, ये क्या है, लड़की है, क्या नाम है, दिव्या। एषा दिव्या, अब मैंने यहाँ पर एषा और देखो यहाँ पर एषः, तो जहाँ पुरलिंग होता है वहाँ हम एषः का उपयोग करते हैं, जहाँ स्त्रीलिंग होती है वहाँ पर एषा का उपयोग करते हैं। यह दिव्या है, दिव्या लिखती, देखो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रही है, दिव्या, इसके पास नोटबुक है, ठीक है, उसके कॉपी के अंदर क्या कर रही है, लिखती है। लिखती का मतलब क्या होता है, लिखना, तो ये क्या कर रही है, अपनी कॉपी में लिख रही है। मीरा, यह कौन है, मीरा। एषा मीरा, ये कौन है, मीरा है। मीरा गायती, देखो इसके हाथ में माइक है, ये क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो गायती का मतलब होता है गाना। तो यह मीरा है, मीरा क्या कर रही है, गा रही है। अब देखो इस चित्र में आपको विमान दिखाई दे रहा है, एक लड़का दिखाई दे रहा है। विमानम, विमानम मतलब हवाई जहाज। तत् विमानम, अब तत् क्यों, क्योंकि नपुंसकलिंग है, तो तत् विमानम, वह विमान है, मतलब हवाई जहाज है। विमानम उड़यती, और ये क्या कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। उड़यती का मतलब क्या होता है, उड़ना, क्या होता है, उड़ना, जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे विमान भी क्या कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है। विवेक, ये कौन है, विवेक, देखो इस चित्र में वही लड़का है, विवेक। एषः विवेकः, यह कौन है, विवेक है। विवेकः पश्यति, विवेक किसको देख रहा था, चित्र में हमने पहले देखा था हवाई जहाज को, तो पश्यति का मतलब होता है देखना, पश्यति का मतलब क्या होता है, देखना। तो यह विवेक है, विवेक क्या कर रहा है, देख रहा है। कपिलः, यह लड़का कौन है, कपिल। एषः कपिलः, यह कपिल है। कपिलः क्षिपति, देखो इसके हाथ में क्या है, बॉल, उसने क्या किया, उसको फेंका, तो क्षिपति का मतलब होता है फेंकना। तो कपिल बॉल को क्या कर रहा है, फेंक रहा है। मयूर, ये कौन है, मयूर। एष मयूर, यह मयूर है। मयूर श्रुणोति, मयूर क्या कर रहा है, सुन रहा है, देखो इसके पास रेडियो है, रेडियो में से देखो आपको संगीत की आवाज दिखा, वो दिखाई दे रहा है। श्रुणोति का मतलब होता है सुनना, श्रुणोति का क्या मतलब होता है, सुनना। तो मयूर, एषः मयूर, यह मयूर है, और वो क्या कर रहा है, सुन रहा है। निशा, ये कौन है, निशा। एषा निशा, यह निशा है। निशा वदती, देखो ये क्या कर रही है, मुंह से बोल रही है। वदती का मतलब क्या होता है, बोलना, वदती का मतलब क्या होता है, बोलना। तो ये क्या कर रही है, बोल रही है, वदती का मतलब होता है बोलना। जैसे एक और आता है पीबती, जैसे निशा पीबती, तो निशा क्या करती, पीबती का मतलब क्या होता है, पीना, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि करोती, इस पाठ का नाम करोती क्यों रखा था, क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ चीज़ें उड़ रही है, कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है, कोई फेंक रहा है, ठीक है। ये सारे काम इसके अंदर क्या किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। अब हम इसका स्वाध्याय देखते हैं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये आपको अपने आप करना है। अ को ब से मिलाना है, देख कर के सचिन क्या कर रहा था, तो सचिन क्या कर रहा था, खेल रहा था, तो खेलंती। वेदांत क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये सब आपको मिलान करना है। अब हम आते हैं रिक्त स्थान पर, कपिल क्षिपति, कपिल क्या कर रहा था, फेंक रहा था बॉल। मीरा गायती, निशा वदती। मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने, सचिन किम करोती, सचिन खेलती। मीरा किम करोती, मीरा गायती। दिव्या किम करोती, दिव्या लिखती।
वेदांत किम करोति, वेदांत पठति, ये कौन कौन से कार्य करते थे वो। अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित कोष्टक में कर्ता पद के सामने क्रियापद और क्रियापद के सामने कर्ता पद लिखे। कर्ता मतलब जो लड़का लड़की जो भी है जो काम करता है, और क्रिया मतलब जो काम हो रहा है। जैसे विवेक क्या कर रहा था, पश्यति। गायति, गायति कौन क्रिया कर रहा था, कर्ता कौन था, दिव्या। विमानम, उड्यति। श्रुणोति कौन सुन रहा था, मयूरः। निशा, वदति। तो आपको क्या करना है, ये अपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।